हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ओवरले पल्लों में हाइड्रोलिक कब्जे लगाकर दिखाऊंगा किस प्रकार लगाया जाता है। सबसे पहले हम अपने पल्ले के लिए यानी कि डोर के लिए शिकंजा तैयार करेंगे। अगर आपके पास शिकंजा है तो शिकंजे भी बांध सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर 19 mm बोर्ड में यहाँ पर खंचा दे दिया है आरी की सहायता से, और तुम यह शिकंजे की तरह से एक तरह से अपना ठिया बना लेंगे। उससे जो होगा कि हमारा जो डोर होगा हम उसको उसमें लगाकर और उसकी जो कब्जे वाली साइड होगी उस पर हम इनके सीधा करेंगे, उसको लेवल में करेंगे। यहाँ पर हमारा शिकंजा तैयार होगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा डालकर। यहाँ पर हमने अपने शिकंजे में अपना डोर लगा लिया है। अब हम इसकी कब्जे वाली साइड को सीधा करेंगे, जिससे कि आपने देखा होगा कि हम अगर कभी भी हाइड्रोलिक कब्जे लगाते हैं उसमें हमारा पल्ला बेंड हो जाता है, और अगर हम साइड की बात करें वहाँ भी उसमें फ़र्क आता है। यहाँ पर मैंने अपना डोर लेवल में कर लिया है, और हमने जो कब्जे की साइड ले रखी है वो जिधर पेंट आता है यानी कि जिधर 2 इंच की बीट होती है पट्टी की, उस साइड हमने यहाँ पर दर्ज बना दिए, और यहाँ पर अपना जो है कब्जे लगाएंगे। यहाँ पर हमारे सभी डोर रेडी हो गए हैं दर्ज बनकर, और यहाँ पर अब हम अलमारी में पल्ले लगाएंगे कि जो यहाँ का पल्ला है जिस हिसाब का है उस हिसाब से उसकी सेटिंग करेंगे। मतलब उसमें जो है आप 0 नंबर या 8 नंबर जो भी कब्जा लगाना है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा साइज़ का कब्जा कहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमने सभी अपने डोर अलमारी पर लगा लिए, और यहाँ पर हम जो कब्जों के निशान लगाएंगे उस हिसाब से लगाएंगे। जैसे कि हम कब्जा लगाते हैं नाप तोल कर वैसे बिना अलमारी के पैमाने से, उसमें जो आपका हाइड्रोलिक कब्जा होता है वो स्लेब की साइड में आ जाता है, वहाँ पर आपका यानी कि जो कब्जे की जगह होती है वेस्ट हो जाती है, फिर आपको दोबारा सेटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर जो होल होता है बेकार हो जाता है उसमें डोर आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर मैंने अपने सभी तीनों पल्लों पर निशान लगा लिया, और मैंने ये नंबर डाल लिया है कि मुझे 0 नंबर का लगाना है या 8 नंबर का लगाना है। और ये हमारा दूसरी साइड का डोर है छोटे वाला, यहाँ पर ऊपर और नीचे की साइड में हमने 3-3 इंच का निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया। इस तरह से हमने मून राइट एंगल की सहायता से अपना सीधा निशान लगा लिया है। और ये हमारे पास हेटिस का कब्जा है 0 नंबर का 24 mm का। यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे वो हम लगभग 21 mm के आसपास हम निशान लगाएंगे। 750-750 आप के लीजिए निशान लगाना होगा खतखत से, उससे जो आपका डोर होगा बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ पर हम एक केल की सहायता से थोड़ा सा टकाई देंगे, जिससे कि हमारी जो हाइड्रोलिक कब्जे की बिट होगी वो स्लिप नहीं होगी। यहाँ पर हमने 32 mm की बिट बांध ली, और यहाँ पर हम अपना होल करेंगे। होल करते समय आप ये चेक करेंगे कि हमारा होल ज़्यादा तो नहीं हो गया है, और हम जो दोबारा होल करने के लिए बिट चलाएंगे वो थोड़ा रोक कर चलाएंगे। यहाँ पर हमने अपने हाइड्रोलिक कब्जे को चेक किया जिससे कि इसकी बिठाई सही हुई है नहीं, और यहाँ पर हम अपने सभी डोर में जो हाइड्रोलिक कब्जे लगा रहे हैं उसके होल कर देंगे। और होल कर देने के बाद हम यहाँ पर अपना हाइड्रोलिक कब्जा लगाएंगे, और उसको हम राइट एंगल की सहायता से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे सभी डोर में होल हो गए हैं, और यहाँ पर हम छोटे डोर में भी होल कर देंगे। यहाँ पर हमारे छोटे बड़े सभी डोर में होल हो गए हैं। अब हम अपना कब्जे की तैयारी करेंगे चारों लगाने की। यहाँ पर मैंने आपको दिखाए कि हमारा जो हाइड्रोलिक कब्जा है उसमें हम उसको सीधा कैसे चेक करेंगे। यहाँ बाहर की साइड से हम राइट एंगल की सहायता से चेक कर लेंगे, और हम इसमें जिप्सम पेंच का इस्तेमाल करेंगे क्रोम पॉलिश का, क्योंकि हेटिस कब्जे में अलग से पेंच नहीं आते हैं, तो उसमें अलग से ही लेनो होते हैं। तो यहाँ पर हम केल के टकाई कर और अपना जो पेंच लगा देंगे, इसी अनुसार हम सभी अपने कब्जों में पेंच लगा देंगे। और यहाँ पर हमारे सभी डोर में लगभग हाइड्रोलिक कब्जे लग गए हैं, और अब हम अपने सभी डोर को रख लेंगे, और रखने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि हमारा डोर कहाँ का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 3 mm का पीस हम जो नीचे की साइड रखेंगे, जिससे कि हमारा डोर कितना उठना होना चाहिए। और मैं आपसे एक चीज़ और बता दूँ,
जैसे कि हम अपना डोर लगाते हैं, हमारे एटीच के कब्जे हैं, इसमें आपकी अलमारी और डोर के दरमियान जो गैप रहेगा वो लगभग इसमें आपका 4 mm का गैप रहेगा। उससे अगर आप मिलाकर लगाते हैं आपको दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। इस अनुसार यहाँ पर मैंने आपको लगाकर दिखाया, नीचे की साइड हमारा डोर अड़ रहा है इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर हाथ मारा, तो हम दोबारा से फिर इसकी सेटिंग करेंगे। और हम जो पैंच लगाते हैं इसमें दो ही पैंच लगते हैं, अंदर की साइड जहाँ पर हमारी अलमारी का पैंच लगते हैं वो हम ऊपर की साइड लगाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने इसमें 4 mm का ग्रुप छोड़ रखा है, गैप छोड़ रखा है, और यहाँ पर मैंने पहला डोर लगा दिया। हम दूसरे डोर में बंद करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपने देखा दूसरा डोर भी मैंने बंद करके देखा। यहाँ पर हम अपने डोर का एंड चेक करेंगे कि हमारे डोर में एंड तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे किसी भी साइड में रेंच नहीं है। तो यहाँ पर हम तीसरे अपने डोर की भी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर तीसरा हमारा डोर भी लग गया है और हम इसका निशान लगाएंगे। जो हमारा दूसरा बीच सेंटर का डोर लगा हुआ है पल्ला, उसके हिसाब से हम सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगा देने के बाद हम उसकी सही तरीके से कटिंग कर लेंगे सीधे फीते से। और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं डोर की तीसरे नंबर की, जिससे कि हमारा जो कब्जे की साइड पल्ला है वहाँ पर लगभग 6 mm फालतू था, हमने उसकी कटिंग कर दी और हमारा पल्ला फिक्स आ गया है। और इसके बाद हमारा जो लेफ्ट साइड में पल्ले यानी कि जोड़ी बन जाएगी, हम उसका भी सेंटर करेंगे इंच टेप की सहायता से नाप तोल कर, जिससे कि हमारा दोनों पल्ले यानी कि उनका लेवल एक सार दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए दोनों पल्ले। यहाँ पर हमारा 17 in 3 foot का सेंटर आया जो कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और हम लेफ्ट साइड के पल्ले की यानी कि कटिंग कर देंगे। और कटिंग कर देने के बाद हम अपने डोर को अपनी जगह पर ले जाएंगे, उसको लगा देंगे। मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं, हमारे डोर में 4 कब्जे लगे हुए हैंगे हाइड्रोलिक, तो इसमें आपको कब्जे तो 4 ही लगाने। अगर आपका पल्ला 6 फुटा है 7 फिटा है उसमें जैसा आप पैंच वगैरह लगाते हैं तो उसमें आप 3 कब्जे में ही प्रयोग करें पैंच का, और उसमें 4 नंबर के कब्जे में छेड़ाछाड़ी ना करें। उसमें जब आपका डोर रेडी हो जाए तो इस हिसाब से इसमें आप अपना फिर उसमें पैंच भर सकते हैं। इसमें आपको डोर लगाने में आसानी होगी। ये मैंने बात आपको बताई, यहाँ पर हमारा जो दूसरे नंबर का डोर था मैंने उसको निशान लगाया, जिससे कि हमारी जो दोनों पल्लों की बीच से एंटर रहेगा वो सही मिल जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 4 कब्जे लगे हुए हैं, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आई थी तीसरे चौथे कब्जों को लगाने के लिए, तो यहाँ पर हमने 1 कब्जे को बिल्कुल फ्री कर दिया और यहाँ पर हमारे 3 कब्जों में यानी कि हमने पैंच लगा दिए और अब हमारा डोर बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको डोर बंद करके दिखाया। और यहाँ पर हम ऊपर की साइड जो हमारे डोर कमती बत्ती निकले हुए हैं उनके हमने 20 cm निशान लगा रखा है जहाँ तक हमारे पल्ले की हाइट हैगी। और यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे गोले से लगाने के बाद हम सीधे फीटे की मदद लेंगे, सीधे फीटे से आपका जो तीनों डोर है उनका लेवल 1 आ जाएगा और उसके फिर वहाँ पर कटिंग कर देंगे बारी बारी से। यहाँ पर हमारा निशान लग गया है और हम पहले पल्ले की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने तीसरे पल्ले की कटिंग करेंगे। इससे हमारा तीनों पल्लों का साइज 1 लेवल का आ जाएगा। और इसके बाद हम जो हमारी दूसरी साइड है अलमारी की उसके हम दोनों ड्रावर यानी कि दराज बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद हमारे जो दोनों लेफ्ट राइट के पल्ले हैं उसमें हम अपने पल्ले लगाएंगे। तो उससे पहले यह है कि हम अपनी दराज बाहर निकाल देते हैं और हम दूसरी दराज भी बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हम अपने पल्ले लगाएंगे। और पल्ले लगाने के बाद हमारा जो दराज होगा हम उसकी फिर सेटिंग करेंगे, वहाँ पर उसके हिसाब से निशान लगाकर उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट राइट का पल्ला लगाकर दिखाया और हम एक बार ये देख लेंगे कि हमारा पल्ला आगे पीछे तो नहीं है। उसके बाद हमने राइट साइड का पल्ला यहाँ पर लगा दिया जो कि मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने नज़दीक से आपको पल्ला दिखाया, हमारा पल्ला बिल्कुल सही चलना चाहिए और उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। अब हम दोनों पल्लों को खोल देंगे और पल्लों को खोल देने के बाद हम दोनों अपनी दराज वहाँ पर लगा देंगे। ये हमने नीचे की साइड की दराज लगा दिए और यहाँ पर हम ऊपर की साइड की दराज लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों डोर बंद करेंगे और यहाँ पर हम लगभग 1 mm 2 mm के आसपास इसकी कटिंग कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें अपने ग्रुप के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड का एक और ड्रावर रहेगा बिना बक्से का। यहाँ पर नीचे की साइड हमने लिमिट्स लगा रखी है
यहाँ पर आप इसको बाहर निकाल कर कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं हमारे कस्टमर की चॉइस पर, जैसा कि उन्होंने हमें बताया। और फिर हम लगाने के बाद यहाँ पर इसकी थोड़ा कटिंग करते हैं गोलाई में। यहाँ पर हमने गोलाई बना दी है जहाँ पर आप देख रहे हैं और मैंने आपको चला कर दिखाया। इसके बाद हम ऊपर की साइड के हमारे जो तीन डोर हैं उनकी फिटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जो डोर है ऊपर की साइड में वो लेंटर से लगभग 1.25 इंची के आसपास उसमें हमने गैप छोड़ रखा है, क्योंकि अलमारी में इतना होना ज़रूरी है। अगर आप पूरा फिक्स कर देते हैं ऊपर की साइड तो आपका डोर नहीं चलेगा। इस तरह से हमारी पूरी अलमारी के डोर लगकर कंप्लीट हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ओवरले पल्लों में कब्जे लगाकर और उसका पूरा पूरा तरीका आपको बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, उसमें हम आपको यानी कि जो ओवरले पल्ले होते हैं उसमें गैप किस प्रकार छोड़ते हैं और कितने एमएम का छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।